अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक मॉडल है, 8000 है, HP का मॉडल है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चलते चलते सिस्टम जो है ये हैंग हो जाता है, रुक जाता है। सिस्टम में फॉल्ट ये है कि जैसे डिस्प्ले, इसकी पावर केबल लगाएंगे, पावर केबल लगाने के बाद एक ऑप्शन सा आ जाता है BIOS का, मैं आपको दिखाता चलूँ। वीडियो को इस जानब चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आपकी रहनुमाई हो सके। तो मसला आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम इसको पावर केबल कनेक्ट करते हैं। पावर केबल कनेक्ट करने के बाद सिस्टम के आगे ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, हम ऑन करते हैं सिस्टम को। डेस्कटॉप है, 8000 है HP का। आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद जो मसला आ रहा है वो ये मसला आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मसला आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2211 मेमोरी नॉट कन्फिगर्ड कॉन्फिगरेबली फॉर पावर MX एक्सेल एनालाइजिंग इंटेल बूट एजेंट GT V13.24। ये मसला आ रहा है। इसके बाद इसमें हम जो है F1 प्रेस करते हैं, F1 का ऑप्शन आ रहा है, ये F1 प्रेस कर दिया हमने। F1 प्रेस करने के बाद फॉल्ट जो है, ये फॉल्ट है, आपको मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ पे जो है सिस्टम, ये BIOS का आपको मसला नज़र आ रहा होगा। ये देख रहे हैं 2233 HECI एरर ड्यूरिंग MEBXX एक्टिवेशन स्टेटस 302 मी BIOS एक्सेशन मॉडल हेल्थ अपडेट BIOS आर मी फार्मर। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हमें मसला आ रहा है। 2206 एंड ऑफ पोस्ट फ्लेवर सिस्टम हेल्थ पावर साइकिल द सिस्टम टू रिबूट। ये सिस्टम यहाँ पे हमारा रिस्टोर मांग रहा है। तो चलते हैं इसकी फॉल्ट की तरफ। तो फॉल्ट इसमें यह हो सकता है कि आप सबसे पहले जो है इसकी रैम चेक करें, रैम में मसला हो सकता है। अगर रैम में मसला नहीं है तो इसका आप जो है मदरबोर्ड का सेल भी चेंज कर सकते हैं। सेल चेंज करने से इसका मसला हल हो सकता है। अगर उससे भी हल नहीं होता तो इसका जो BIOS IC है, BIOS AC जो है इसका दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर IC नहीं लगा सकते आप तो इसकी BIOS जो है वो अपडेट कर दें आप। अपडेट करने से, BIOS अपडेट करने से ये जो ऑप्शन आ रहा है ये हट जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल किरण कंप्यूटर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल किरण कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलते हैं हम अपने फॉल्ट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लॉक लगी हुई है, आप लॉक को खोलेंगे तो ये इसका जो ढक्कन है ये खुल जाएगा। ढक्कन खोलने से पहले जो है आप इसका सेल रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है सेल रिप्लेस करते हैं। BIOS सेल आपको दिखाता चलूँ कि कहाँ लगा हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि BIOS सेल इसमें लगा हुआ है। हम BIOS सेल को जो है पावर केबल इसकी डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसकी BIOS सेल चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको लॉक दिखाई दे रही होगी, ये लॉक दिखाई दे रही है आपको। ये लॉक जब जैसे आप करेंगे, खोलेंगे इसको तो हल्का सा जोर देंगे तो ये जो लॉक है ये खुल जाएगी और सेल बाहर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो हम इसमें नया सेल डालते हैं। अब नया सेल भी जिस तरह से हमने इसका निकाला था पुराना सेल, तो इस तरह से हम इसको नया सेल लगा दिया उसी तरह से। तो उसके बाद जो है हमारी रैम है, हमारी रैम आपको दिखाता चलूँ कि इसमें जो है ये पावर सप्लाई है इसकी, ये इसका DVD रूम है, आप इसको हटा लें तो इसकी जो रैम है आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रैम लगी हुई है इसके अंदर। ये रैम में मसला भी हो सकता है, हम इस रैम को भी एक साथ, बल्कि हमने सेल जब चेंज किया है तो पावर केबल लगा कर इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक तो नहीं हो गया। उम्मीद काफ़ी है कि हमारा सिस्टम ठीक हो गया होगा। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आगे फॉल्ट की तरफ चलते हैं कि आगे इसमें क्या फॉल्ट है।
देख रहे हैं हमने सेल जैसे डाला इसका, तो ये ऑप्शन सा आ गया। F1 टाइम डेट सेटिंग का मसला आ गया, इसमें टाइम डेट सेट करेंगे तो ये F1 का भी ऑप्शन इसमें ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि वही मसला आ रहा है, 2211 मेमोरी नॉट कॉन्फिगरेबल फॉर प्रॉपर MEBX। टाइम डेट का मसला तो साल निकालने से हुआ है हमारा, तो ये मसला भी F1 पे है। F1 ये मसला देखते हैं कि हमारा साल हुआ नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप, हमारा जो था ये सेल का इशू था, इसमें हमने सेल इसका रिप्लेस किया तो हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल ओके हो गया है। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो थी, तो इस वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के कंप्यूटर को। इस वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।